I said Natasha is a very good student. It's one of the better students of the class, and she's very serious. She works a lot. Oh, and it is one of my favorite students. I am very happy for Natasha. Very polite, very smiling, and so congratulations, and you can continue as that. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं. बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और स्पेशली इंडिया से जो लोग जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है और इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं. जब आप मुझे दीदी या दी कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आप सबकी मोहब्बतें जहाँ जहाँ भी हैं उन सब आप सबकी चाहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया. यहाँ बन रहा था जी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा क्यों बन रहा था? नताशा के लिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था मेरी बेटी का. तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया, क्योंकि रमज़ान है तो मैं एक ही पिज़्ज़ा बना रही थी छोटा सा. तो उसमें मैंने डाला है जी इंस्टेंट यीस्ट पिज़्ज़े के लिए, यहाँ पे जो स्पेशल मिलता है वो मैंने डाली है जी 1/2 टेबल स्पून. और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है. और फिर इसमें मैंने ऐड किया है जी नीडो मिल्क पाउडर, वो तकरीबन इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून. और ये सब चीज़ें भी मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी. फिर मैंने इसमें ऐड किया है जी थोड़ा सा साल्ट, ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून है, वो मैंने इसमें ऐड किया है. और इसको 1/3 कप जो पानी है नीम गर्म पानी, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से गूंद लूँगी. और यहाँ पे शुगर भी मैंने ऐड की है, ये तकरीबन 1 चम्मच भर के, मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैंने वही ऐड कर दी है. और डो को जो है वो अच्छे से इसको मैंने गूंद के इसको मैंने रख दिया था. और ये डो जो है जल्दी, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो डो तकरीबन मेरी 1 घंटे में ही जो है वो राइज हो गई थी, और टाइम बहुत शार्ट था, इसलिए साथ साथ जो है मैंने सोचा कि इसकी पुडिंग भी जो है वो रेडी कर ली जाए. और उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लेके इसको मैंने जल्दी जल्दी बारीक बारीक चॉप कर लिया था. और 3-4 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल के डाल के उसमें मैंने कीमा डाल दिया. कीमा ही था ऑलमोस्ट तकरीबन 1/2 इंच के करीब मैंने इसके पीसीस किए हुए थे. उसमें मैंने ऐड किया है जी लहसुन अदरक और 1 सब्ज़ मिर्च लेके उसको मैंने पेस्ट बना के इसमें वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि रेड चिली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने ग्रीन चिली को ही पीस के इसमें डाल दिया. तो वो ऐड करके इसको मैंने फुल आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है, फ्राई किया है. साथ मैंने सोचा कि जल्दी से इसकी वेजेस काट ली जाएँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक रेड ओनियन है वो मैंने काटा है, मेरे पास बेल पेपर पड़ी हुई थी येलो और ग्रीन, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके उसको भी कट कर लिया है. आपके पास रेड हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी हो आप डाल सकते हैं. और जब तकरीबन अदरक लहसुन की जो है रास मल ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें ऐड कर दी है ये वेजेस. और वेजेस ऐड करने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो इसकी वेजेस हैं वो क्रंची क्रंची ही रहें, वो ज़्यादा सोते ना हो जाएं. और फिर इसमें मैं थोड़े से जो है वो मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1/2 टीस्पून के करीब जो है ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है. और उसके बाद इसमें जाएगा साल्ट, और साल्ट इसमें मैंने ऐड किया है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप ऐड कर लें. और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हर्ब्स पड़ी हुई थी, ओरिगानो थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं 1/2 टीस्पून. और फिर इसको अच्छे से जो है मैंने मिक्स कर लिया है. अगर आपके पास यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, तो आप इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड कर लें ताकि इसका अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए. और यहाँ पर मेरे पास फ्राई मीट मसाला पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो मैंने ब्राई नाम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है इसमें मैंने वो भी ऐड कर लिया है. और इसको बाद इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से स्टीर फ्राई कर लिया है. और अब इस यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने एक जिप लॉक बैग लेके उसमें क्रीम चीज़ जो है वो मैंने ऐड की है, क्योंकि हम बना रहे हैं नॉट पिज़्ज़ा. और नॉट पिज़्ज़े के लिए उसकी बाइंडिंग के लिए क्रीम चीज़ जब हम ऐड करेंगे तो उसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी. और उसको मैंने जिप लॉक बैग में डाल के साइड पर जो है वो रख दिया था. तो बैटर जो है वो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, इसका बैटर जो है वो ठंडा हो रहा था. और यहाँ पे जब मैंने देखा कि डो मेरी जो है ये डबल हो गई है, तो मैंने जल्दी से फोर्नों को प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे लगा के मैंने रख दिया ताकि वो प्री हीट हो जाए. और यहाँ पे आप एक
प्लेट ले लें, कोई भी एक चीज़ लेके दरमियान में हल्का सा उसको प्रेस कर लें, ताकि अच्छे से या प्लेट आप उठाएं ना या प्लेट हल्का सा प्रेस कर लें। तो उसके बाद इसके जो है वो हाफ हाफ इंच के जो साइडों पे इसके हैं आपने वो कट करनी है इसकी स्ट्रिप्स के लिए। तो आपने इसको बिल्कुल सीधा नहीं कट करना, तिरछा जो है वो कट करना है। और फिर जो आपके पास क्रीम चीज़ है वो मैंने क्रीम चीज़ को यहाँ पे जो मैंने राउंड शेप दी हुई थी वहाँ पे सारा मैंने ऐड कर लिया है। और क्रीम चीज़ लगाने से जब इसके नॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो बन जाएंगे। और फिर एक बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखना, एक को तिरछा करके रखना है, दूसरे को उसके ऊपर जो है वो रखते जाना है। और इस तरह से जल्दी जल्दी से बहुत अच्छा पिज़्ज़े की जो है शेप वो भी हो जाएगी रेडी। और यकीन करें ये बहुत झटपट से पिज़्ज़ा बन गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत ही मज़े का था, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी और पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको मैंने ऐड कर लिया। और पिज़्ज़ा सॉस को ऐड करने के बाद जो बैटर मैंने इसका रेडी किया था वो हो गया था ठंडा, तो वो उसमें मैंने सारा जो है वो ऐड कर दिया। और बैटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि, क्योंकि मैंने एक ही पिज़्ज़ा बनाना था तो जितना मैंने बैटर बनाया हुआ था वो सारा इस पे मैंने ऐड कर दिया। तो सब्ज़ मिर्च जो है वो वैसे मैंने कट करके ऐड नहीं की थी क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो बच्चों ने खाना था। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, मुझे मोज़रेला चीज़ ही पसंद है, तो मोज़रेला चीज़ जो है उसको मैंने ऐड कर दिया। और मोज़रेला चीज़ को ऐड करने के बाद मैंने ऑयल लेके ऑलिव ऑयल लिया था और ब्रश की मदद से साइडों पर जो है वो लगा लिया ताकि इसका अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। और इतने में ओवन जो है वो तकरीबन मेरा हो चुका था प्री हीट। और लेकिन यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था और यहाँ पे मेरे पास चावल पड़े हुए थे, रायता मैंने बनाया हुआ था, थोड़ी फ्रूट चाट बनाई हुई थी हम लोगों ने इफ्तारी की। और ये मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा हो गया था, लेकिन यकीन करें ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और इतना माशाल्लाह से क्रंची भी था, सॉफ्ट भी था बिल्कुल। और बच्चों ने जो है एक एक पीस खाया क्योंकि उन्होंने इफ्तारी में थोड़ा सा खाना खा लिया था, लेकिन बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। और नताशा के रिज़ल्ट को 1 वीक हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मुझे पेरिस जाना होता था जॉब के लिए जो मैं जा रही थी, तो उस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है अपनी बेटी के लिए बना लिया जाए पिज़्ज़ा। और उसके बाद ये था जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी यहाँ पर सहरी अपने लिए और नताशा के लिए। तो जल्दी से यहाँ पर मैं बना रही थी 2 पराठे। वैसे तो मैं आम रूटीन में पराठा नहीं खाती, लेकिन रमज़ान में चूंकि अगर पेरिस जाना होता था तो मैं पराठा ही बनाती थी, लेकिन अगर पराठा खाया जाए तो सारा दिन बिल्कुल भी भूख वगैरह नहीं लगती। और पराठा बनाने के लिए मैं इसको अच्छे से जो है कट कर लेती हूँ, और अगर बटर है तो बटर लगा लें, देसी घी है तो पूरे पर स्प्रेड कर लें, और कट करके इसकी लेयर्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रख के फिर मैं इसका बनाती हूँ पराठा। तो यकीन करें कि ये लेयर्ड जो होता है पराठा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत मज़े का पराठा जो है ये बनता है। और उसके ऊपर जो है वो मैं बिल्कुल भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाती, मक्खन वगैरह जो उसके अंदर ही मक्खन होता है उसी से अच्छा सा जो है वो बन जाता है। और साथ साथ मैं बना रही थी यहाँ पे जी लस्सी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हो गई थी जी सहरी रेडी। साथ मैंने कल बनाया हुआ था सालन काली तोरी का, वो मैंने थोड़ा सा ले लिया और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से अपनी सहरी कर ली। और इसके साथ साथ चलते हैं जी आज की अच्छी बात की तरफ। मंजिलें कभी दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती, बल्कि रस्तों पे निकलना पड़ता है, और रास्ते में आने वाले पहाड़ों को सर करना पड़ता है, घाटियों को अबूर करना पड़ता है, और कभी ज़िंदगी के इस सफ़र में इतने ज़ख़म लग जाते हैं। मेरी मुराद उन ज़ख़मों से नहीं है जैसे हड्डी टूट गई, हराशे लग गए, नहीं, नो, ये ज़ख़म है इमोशनल, यानी जलन, हसद, तंज, लेग पुलिंग, ऐसे जख्म लग जाते हैं, लेकिन रिमेन इन द गेम टू सर्वाइव। आपको अपना ज़ख्मों से चूर वो जिस्म घसीट कर आगे लेकर जाना होता है, बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी टफ। ज़माना बहुत जदीद हो गया है और रुक जाना ये ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे से आगे बढ़ते रहना है। और जो बंदा चलता रहता है ना मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन मंजिल मिले ना मिले उसको ज़िंदगी एवार्ड ज़रूर देती है। और सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, सो कंटिन्यू विद योर जर्नी,
रस्ते के मोड़ सीधे नहीं होते, रस्ते के मोड़ टेढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, गाड़ी को उन टेढ़े मोड़ों पर बड़े आराम से और एहतियात के साथ लेकर चलना होता है। गाड़ी की स्पीड को इतना तेज़ भी नहीं करना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए। और अगर कोई एक दरवाज़ा उसको हम नॉक करते हैं नहीं खुलता, दोबारा कोशिश करें, नहीं खुलता तो छोड़ दें, आप नया दरवाज़ा ख़ुद बनाएं। और इन प्यारी प्यारी बातों के साथ वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। और ये जो मैं मस्जिद गई हुई थी खाना बनाने के लिए, आज मैं अकेली गई थी क्योंकि हस्बैंड जो हैं आपको पता ही है कि उनके गुर्दे वाश होते हैं, डायलिसिस होते हैं, तो वो एक वीक मेरे साथ गए थे तो बहुत ज़्यादा जो है वो थक गए थे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं आप घर रहेंगे दो दिन, अब मैं अकेली ही जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी रेडी हुई थी और ये आज मैंने बनाई थी चिकन की बिरयानी। 12 kg चिकन की बिरयानी थी, 12 kg ही इसमें चिकन मैंने डाला था और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बिरयानी बन गई थी। मेरे साथ जो है ये मेरा बेटा गया था फाइक, क्योंकि छुट्टी थी, संडे का दिन था तो अकेला मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैं अपने बेटे को साथ ले गई। और ये वापसी पे उसका रोज़ा नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको कुछ खाने के लिए ले दूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है थक गया था। तो मैंने उसको वहाँ से डोनट ले के दिया। और संडे के दिन जो है ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, यहाँ पे संडे को इतना ज़्यादा ट्रेनों का मसला होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन ही थी, फिर गार्दी लियोन तक लिए और अब हमारे घर जाने के लिए 54 मिनट के बाद ट्रेन है। रास्ते में क्योंकि यहाँ से पेरिस जाने में तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे, तो अगर संडे का दिन हो तो यकीन करें कभी घंटा घंटा जो है ट्रेन नहीं होती, और खाना बना के सारा पैक करके दे के आना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब रस्तों पे निकलते हैं तो मंजिलें तो मिल जाती हैं। और मैं भी ज़िंदगी के इस सफ़र में, मुझे 5 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए, जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए हैं 5 साल हो गए हैं उनको गुर्दे वाश करवाते हुए, और हमारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल के साथ गुजर रही है, लेकिन उसकी ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र है और कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक हिम्मत बंधाए रखे और अल्लाह पाक जल्दी से मेरे हस्बैंड को शिफाए कामिल और आजला दे। और ये वापसी से आते हुए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है वो ब्रेड ले लूँ, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी छोटे बच्चों के लिए, इन्होंने स्कूल जाना होता है नाश्ते के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी से ब्रेड ले ली जाए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने आते हुए मार्केट, से फटाफट से ली ब्रेड और यकीन करें जब काउंटर पे पहुंची तो इतना ज़्यादा रश था। और बस ये सफ़र थका देता है, वरना काम करने से तो इंसान नहीं थकता। और फिर इतना ज़्यादा रश था, हम लोग घर आए इफ्तार के टाइम, जब मेरे हस्बैंड दुआ मांग रहे होते हैं तो एक रूह परवर सा समा होता है और बहुत अच्छा सा दिन हमारा गुजर जाता है रोज़े के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी इमानिल्लाह।